पीएच लेवल अल्काइन 12 तरह का मिनरल वो भी नहीं बचा पाइएगा। तो ये साइंस है। अब इसको चलाइए, तेल से बनाया आपने, हर जगह पे बनाया, इसकी टेक्चर को देखिए। 36 घंटे तक आपका मटन में किसी भी तरह का कोई खराबी नहीं आएगा। किसी भी मटन को अभी लाइव भी हम दिखा देते हैं, कोई भी मटन पका हुआ है उसकी ग्रेवी देखिए। ये तेल दिख रहा है लेकिन जैसे ही आप खाएंगे तो तेल आपको गायब हो जाएगा और ये चीजें देखिए कहीं भी आपको सटेगा नहीं। कि आपके साथ लोग घर में भी बना रहे हैं तो उस चीज को भी देख ले, ये सामग्री पहले तैयार कर। गोपाल जी भी हमको यहीं पे मिल गए। गोपाल जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ऑयजल चंपारण मटन के जो ऑनर हैं वो हमारे साथ आ चुके हैं। सर मेरे को ये बताएं थोड़ा सा इस प्लेस के बारे में बताओ। बहुत अफवाहें हैं, 500-700 प्लेस तो पटना में देखने को मिल रहे हैं। ये क्या प्लेस है थोड़ा समझाओ। देखिए ये ओल्ड चंपारण मीट हाउस अपोजिट तारामंडल विद्यापति मार्ग है। ये 2014 में खुली है जब बिहार में कोई भी आउटलेट नहीं था। अच्छा। ये ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड है, सेंट्रल सरकार से भी है और बिहार सरकार से। और अभी आप देख रहे होंगे सोनपुर मेले में भी बिहार के जो DM है उन्होंने इसका स्टॉल को वहाँ पर ये किया है कि लोगों को भ्रम है जो कि दूर हो, यही ऑथेंटिक है और यही ओरिजिनल है। दूसरी बात है कि बिहार सरकार टूरिज्म डिपार्टमेंट और जो जयपुर से चलकर पटना की चीज़ों को अहुना मटन और जो भी हम रेसिपी बनाते हैं वो सारे चीज़ों को प्रकाशित कर रहे हैं जिसके कि हमारा टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए बिहार के तरफ से मैं आपके चैनल को, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इनके चैनल को देखें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन इन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में आए हैं और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था और जब ये आए हैं तो इनको थोड़ा सा विलम्ब करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। सर के साथ थोड़ा अंदर चलते हैं, देखते हैं, कुछ सेटअप वेटअप लगवाते हैं और आज एक सर मेकिंग वगैरह शूट करेंगे कुछ। बिल्कुल करेंगे, जब इतनी दूर से हमारे लिए आए हैं, बिहार की चीज़ों को आप पूरे देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपके लिए तो समय निकालना ही पड़ेगा। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और अगर आप टाइम देंगे तो सारा सेटअप है कंप्लीट करता हूँ। अंदर चलें सर। जी आइए आइए दोस्तों, अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री होते ही यहाँ पे हांडिया वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी और बहुत ही शानदार खुशबू, मतलब खुशबू आपको अपने आप में आना लग जाएगी, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पे आ गए। ये देखें इधर साइड आए, पूरा हांडिया का सेटअप इधर देख सकते हो आप, क्या बेहतरीन, मतलब यहाँ पे हांडिया देख रहे हो आप, ये सारी पैक है, किस तरह से बनती है, क्या देखिए ये वन टाइम में जो पैक हो जाता है पूरा कुक होने के बाद ही, मतलब कि ये सामान को उतारा जाएगा, माल जब पूरा तरह से पक जाएगा तो इसका भी एक अलग ही महत्व है। ये ग्रेवी को गाढ़ा करने में मदद करता है और बहुत सारी बातें जो आगे हम वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हांडे लग चुकी है और भी प्रिपरेशन हो रही है मटन की, कई सारी मटन। और आप अपने हाथों से जो मटन बनाएंगे उसकी स्वाद और उसकी जो भाव से आप मटन बना रहे हैं, जैसे घर में मतलब दादी नानी और वो जो पूर्वजों के द्वारा जो बनाया जाता था वो फीलिंग आप आज को आपके हाथों से वो चीज़ ये करते हैं। और मैं बताऊंगा आपको कैसे मटन बनाया जाता है, तो हांडी मटन। हाँ, सबसे पहले एप्रॉन पहन लीजिए। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मैं एप्रॉन पहन लेता हूँ। और आज हम एक्चुअली देखिए, मैं ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है, यहाँ पर इस मसाले के साथ जो ये मसाला है ना दोस्तों, इस मसाले के साथ जो चाय बना सकता है ना वो ये मटन को बना सकता है और वही टेस्ट जो टेस्ट यहाँ पे मिल रहा है ना वही टेस्ट आप भी इसको ले सकते हैं। तो सर बताइए कैसे शुरू करें। देखिए सबसे पहले मटन बनाने के लिए पहले आपके साथ लोग घर में भी बना रहे हैं तो उस चीज को भी देख ले, ये सामग्री पहले तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये प्याज है, गार्लिक का पेस्ट है, आटे की गुथा हुआ है, ये सेंधा नमक है उसको बारीक किया हुआ है, ग्रीन मिर्च है, ग्रीन धनिया पत्ता है और लहसुन जो खरा है, और उसके बाद BMH का मैजिक मसाला होता है मटन, अहुना हांडी मटन और मटन और पहले से तेल गर्म तेल है, हांडी है और भैया के साथ शुरू करते हैं। ये तो पहले हम लोग प्याज ले लेंगे। सबसे पहले गाइस ग्रेवी के अकॉर्डिंग हम प्याज ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 किलो मटन बना रहे हैं, इसमें 700 ग्राम के लिए कोई प्याज। हाँ हाँ, प्याज बढ़ा भी सकते हैं, आपको मसाला है जो अब्जर्व कर जाता है, इसमें गार्लिक पेस्ट ले लें। ये गार्लिक पेस्ट आ गया दोस्तों, हल्का हल्का चंग मुंह में आए। ये सेंधा नमक हो गया, आप नमक ले लें, ये आपको 1.5 चम्मच या 2 चम्मच आप नमक ले लें। सेंधा नमक के अलग ही फायदे हैं, अगर नमक ज्यादा भी हो जाएगा तो उसको तुरंत मतलब कि डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। सेंधा नमक आ गया। हाँ, ये ग्रीन मिर्च हो गया, इसको तोड़ के डालेंगे। ये गाइस ग्रीन मिर्ची हो गई, तीखा जो हिसाब से रखना है। हाँ, जितना आपको तीखा लेना उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हाँ, उसके बाद ग्रीन धनिया पत्ता, ये धनिया पत्ता आ गया गाइस फ्रेश। इसके बाद लहसुन हो गया आपका,
ये गाइस लहसुन, ये मान लो कि जो मटन में टेस्ट है ना उससे ज्यादा इसमें टेस्ट है। हाँ, देसी लहसुन होना चाहिए, देसी लहसुन। हाइब्रिड लहसुन होगा तो वो स्वाद नहीं आएगा। ये देखिए, हाँ। दो मैंने लहसुन ले लिए और ये साथ में ले लेते हैं मसाला, BMH का अहुना हांडी मटन मसाला। ये सिर्फ ऑनलाइन मिलता है, मेरा फोटो लगा हुआ मिलता है। तो गाइस ये मैंने मसाला ले लिया। इस मसाले को अपन 1 किलो के अकॉर्डिंग रहता है, पूरा मसाला डालते हैं इसमें। ये पूरा मसाला मैंने इसमें डाल दिया और उसके बाद ये तेल है, तेल लेंगे। तेल का मेजरमेंट रहता है तो ये 100 ml का है। तो दोस्तों इसके अंदर आप देखें, 200 ml लेना है आपने, 1 किलो में 200 ml। ये देखें, ये आ गया और ये अपने इसमें डाल दिया। ठीक है, एक बार और ले लेते हैं। ये इसमें आ गया और थोड़ा सा हांडी में जाएगा। हाँ, हांडी में जाएगा। क्यों हांडी में इसलिए डालते हैं क्योंकि हांडी नीचे से सटे नहीं है ना सर, नीचे से ऑयल बराबर चिपका रहे। देखिए तेल का बहुत बड़ा यूज नहीं है, आप पानी से जब मटन बना सकते हैं तो ऑयल तो निकलता है। जब आप देखिए हांडी को, एक चीज़ समझना पड़ेगा, हांडी पे पानी से बनाए या किसी भी चीज़ से बनाए तो इसके अंदर कई तरह का जीवाश्म होते हैं जो पोषक तत्व में होते हैं, 12 तरह का मिनरल होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है। तो जब ये गर्म होगा तो उसके अंदर से जो बाहर में जो है वो पुश कर ये करेगा। सटने का तो सवाल ही, अगर टेम्परेचर आपका इसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है तब मटन सटेगा आपका। बिल्कुल, अगर आपका मटन मतलब उस लेवल पे है, तापमान पे नियंत्रित पे है, तो आपको कभी भी मटन सटेगा नहीं और वो अपने आप वो स्लिपिंग करेगा। जब इसके अंदर से कोई तरल पदार्थ निकलेगा तो अंदर की ओर तो घर्षण तो बनेगा ही ना बनेगा दोस्तों। इसको मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इसमें किसी तरीके का दोस्तों पानी नहीं है, ये जो मॉइस्चर रहता है ना, जो प्याज का ही मॉइस्चर रहता है, ये अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद मटन को डालेंगे। ये गाइस ये देखें मटन, और मटन के पीसेस देख सकते हैं। ये देखें, तो ये पूरा मटन अपन इसमें डाल देते हैं एक बार और इसको अच्छे से मसाज कर देते हैं एक बार। हाँ जी सर, हो गया। अब इसमें डालेंगे हम लोग, ये गाइस हांडी में भर देते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, सारा मसाला इसके अंदर आ गया। इसको प्रॉपर ढंग से अब सील करेंगे, आपको आटा लगाने में दिक्कत ना हो। अब इसे आप पैक करेंगे, बहुत इजी स्टेप है, बस वहाँ पे रखिए, उसको खींचते चले जाइए, थोड़ा सा प्रेशर दे करके। इस पे जरूर प्रेशर देखेंगे तो चले सर इसको ले चले। हाँ, बिल्कुल। चलिए दोस्तों आ जाओ मेरे साथ, अब इसको नीचे लेके चलते हैं और इसको अंगीठी पे रख देते हैं। ये हमने हांडी यहाँ पे रख दिया और इसको वही सर थोड़ी थोड़ी देर में चलाना रहेगा, थोड़ी थोड़ी देर में आपको चलाना होगा, बाकी बनके सेट हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो भाई 1 घंटा 10 मिनट लगेंगे इसमें। हाँ। और बनके रेडी है। हाँ। तो अब जैसे बन जाता है फिर आपको दिखाते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे वाष्प निकल रहा है और कितनी मात्रा में निकल रहा है। पहले कौन कौन से पार्ट से ये टकराया, ये पूरी इस दिशा से मतलब टकराया। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट यहाँ से छिद्र हो जाता है तो ग्रेवी कभी गाढ़ा नहीं होगा। ठीक है, पीएच लेवल अल्काइन, 12 तरह का मिनरल, वो भी नहीं बचा पाइएगा। तो ये साइंस है, इस साइंस को समझना पड़ेगा और यही गाढ़ा करता है। किसी भी मटन को अभी लाइव भी हम दिखा देते हैं, कोई भी मटन पका हुआ है उसकी ग्रेवी देखिए, ये मटन बन के तैयार है और ये इसका टेक्सचर है। आप देखिए इसका ग्रेवी, क्या बात है, आप देख सकते हैं। ये है ओरिजिनल अहुना हांडी मटन, ग्रेवी देखिए इसका, ये है ओरिजिनलिटी, बिल्कुल लटपट। ये है ओरिजिनल जिसमें 12 तरह का मिनरल, अल्काइन, पीएच लेवल वो मौजूद है। ये आयुर्वेद की तरह बकता है, अगर इसको बहुत ज़्यादा तीखा कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा मतलब कि नमक डाल दिया जाए तो ये अपना चीज़ों को छोड़ेगा। ये कौन सी हांडी आ गई सर, तेल वाली, खोलना भैया। हाँ, अब इसको चलाइए, तेल से बनाया आपने, हर जगह पर बनाया, इसकी टेक्सचर को देखिए और इसकी ग्रेवी को देखिए, क्या बात है यार। ये मिट्टी का कलर में, दोनों का कलर मिलाएंगे तो दोनों सेम कलर आएगा। ये है, ये देखिए भाइयों,
ये सेम कलर हो गया है और इसमें यही ओरिजिनल पहचान है। और जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा वो भी जो तेल जो दिख रहा है, जो जितना गारापन दिख रहा है वो खत्म हो जाएगा। ये ना हाथ में चिपकेगा, ये परफेक्टली कुक है सर। हाँ कुक है, जो पटना में जो चलता है ट्रेडिशनल है, जो उस तरीके से कुक किया हुआ है। और आप मटन किस तरीके से खाते हैं उस तरीके पर निर्भर करता है। अगर मटन को पूरी तरह से गला हुआ खाते हैं तो मटन का तो सारा चीज़ ग्रेवी में मतलब आ गया, और कस्टमर एक बार खाने के बाद जब ग्रेवी मांगते हैं तो सारा अंश तो उसके पास चला गया, आपके पास तो सिर्फ वो मांस बचा। तो मटन को पूरा गलाना भी नहीं चाहिए जिससे कि ये हो। हाँ मटन खाने लायक हो, उसको तोड़िएगा तो पूरा रेड आएगा। तोड़िए उसको, हाँ देखिए देखिए पूरा रेड पन आएगा बिल्कुल, ये रेड हो रहा है ना। दूसरा एक चीज और भी देखिए, ये तेल दिख रहा है लेकिन जैसे ही आप खाएंगे तो तेल आपको गायब हो जाएगा। और ये चीजें देखिए कहीं भी आपको सटेगा नहीं, ना ही आपको स्किन में सटेगा, और सिर्फ पानी से धोएंगे हाथ धुल जाएगा। ये क्या कमाल है सर, ये कमाल है। देखिए सही तरीके से जब आपका ये हांडी जब प्रतिक्रिया करती है तो बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करती है, जो जैसे चिपचिपा पदार्थ उस चीज को ये खींच लेगी, उसको मैग्नेटिक, हाँ खींच लेगी। और वो क्या करेगी, मटन के अंदर समावेश करेगी, प्याज के अंदर समावेश करेगी। और ये जैसे ही आप रोटी और ये करेगा तो सबसे पहले आकर्षित आपको तेल को ये रोटी चावल ये ले लेगा। देखिए कहीं भी आपको लगेगा नहीं, तो जब हाथ में लगेगा नहीं सिर्फ पानी से ये धुल जाएगा ये चीज़ें। और ये मेटल का बर्तन इसलिए दे चूँकि ये टेम्परेचर पर, मान लीजिए कि 20 डिग्री टेम्परेचर पर है हांडी, ये जो मेटल का बर्तन है, और ये आपको अभी से 75 डिग्री टेम्परेचर पर है, तो दोनों की ये चीज़ें होगी कि जो वाइल जो है वाइल अलग होगा। चलिए ठीक है, तो बाकी वो वाली हांडियां भी अभी ला रहे हो? अरे रोटी उटी का हुआ यार, इतना देर ही तो आपके सामने किया गया है, वही चीज को आपके सामने लाकर रखा गया है। क्या बात है यार, तो चलिए रोटी के साथ ट्राई करते हैं। ये देखें दोस्तों, और इधर आइए आप एक बार, ये देखें मटन, जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ से देखिए ये रेड पन आया, ये मटन का देखिए, ये अगर यहाँ व्हाइट धब्बा अगर लगा हुआ है तो मटन खाने लायक नहीं है, पूरी तरह से कुक नहीं है, ये एकदम रेड है। हाँ कहीं से भी तोड़ेंगे तो रेड है, बिल्कुल रेड है। अब देखिए जहां से उठा रहे देख रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए कि तेल पानी हो जा रहा है, और तेल पहले आपको रोटी को आकर्षित कर ले रहा है, तो ये आप समझ सकते किस तरीके से। ये नहीं ज्यादा तीखा होगा ना ही ज्यादा नमक होगा, तीखा तो है ही नहीं। हाँ बिल्कुल परफेक्ट, हाँ स्पाइसेस के साथ। और आपके जयपुर में तीखा बहुत ज्यादा चलता है, वहाँ तो तीखा चलता है। ये देखो दोस्तों किस कदर, ये चर्बी वाला पीस है, छाती का पीस है, ये करा होता है, इसका भी खाने का एक अलग ही मजा है। तो सर ये चीजें आप लोगों को यहाँ सर्व कर रहे हो, और कई लोग इसको समझते नहीं है, नहीं समझ नहीं पा रहे हैं। घर में जब बनाएंगे ना तो इसकी सच्चाई है, जैसे दाल बनाते हैं खीर बनाते हैं तो देखते गारा होता है ग्रेवी इस टाइप का आता होता है। और कई जगह मटन बन रहा है जो अहुना हांडी मटन बन रहा है, वो ग्रेवी पानी जैसा हो जाता है, मटन अलग हो जा रहा है और ग्रेवी अलग हो जा रहा है। ये दोस्तों ये है, ये भी आपका छाती का पीस है, देख रहे चर्बी है, गड़ी वाला पीस है। क्या बात है सर, ये देखो दोस्तों इस ग्रेवी को देखो आप, इस मटन के दीवाने हैं तब ना इतना जल्दी पूरे देश में मतलब कि वायरल हो गए, और उसमें साथ साथ आप लोग का भी योगदान है। हाँ तो आप तो बिहार सरकार की मदद करें, टूरिज्म डिपार्टमेंट की मदद कर रहे हैं जो इस डिश की प्रचार प्रसार में। हाँ ये मूल डिश भटक रहा है, इसको रोकिए, घर में बनाइए और इस डिश का लुत्फ उठाइए। ये अंदर समावेश किया था, और ये जैसे ही नली वाला पीस आया ना, और वो जैसे ही खाए ना तो वो चीज़ तो फीलिंग आ जाएगा तुरंत, और वो फीलिंग को मैंने वो तुरंत बखान कर दिया। हमने दूसरा पीस खाइए सर, उसमें नहीं मिलेगा। तब बोली नू कि मैंने उस चीज़ को 72 देश का सफ़र किया, पूरे वर्ल्ड में ऐसा मटन मैंने नहीं खाया, तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात थी। लोग गाइस थोड़े से राइस के साथ भी ट्राई करते हैं, ये एक्चुअली डिश यहाँ पर राइस के साथ भी खाते हैं लोग बग, और रोटी के साथ भी खाते हैं, लिट्टी के साथ भी खाते हैं, और यहाँ पर सारी चीज़ अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वो आप वो भी ले सकते हैं। सर थोड़ा सा ग्रेवी डाल दीजिए एक बार।
ये देखिए भाइयों, ग्रेवी का टेक्सचर देख लो आप एक बार। देखिए मिट्टी का कलर का आएगा, बिल्कुल जो भी आएगा सब मिट्टी का कलर का आएगा। अब ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ा होगा, बिल्कुल गाढ़ा। जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन इसका बढ़ेगा और भी प्याज का जो पानी है वो खत्म हो जाएगा, अब बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा ग्रेवी दम। और गाइस आप ये भी देख सकते हो कि हल्का सा ऑयल भी है इसमें, और वो जो टेक्सचर देता है ना, हल्का सा ग्रीसीनेस देता है, वो अलग ही है। और गर्मा गर्म जिस देख रहे हो, धुआं देख रहे हो, गर्मा गर्म जब आप खाओगे भाई साहब नेक्स्ट लेवल। ये देखो बहुत गर्म है अभी, अरे सर ये तो रोटी से ज्यादा चावल के साथ जा रहा है। अब लिट्टी के साथ भी इसका अलग टेस्ट आएगा। दोस्तों दो तीन वीडियो इस प्लेस की आएंगी, आपको देखने को मिलेंगी। एक और रेसिपी हम शूट कर रहे हैं अभी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और सर को भी सपोर्ट करें। जो सर इतना मतलब एक मुहिम लेके चले हैं सर लोग कि भाई लिटरली ये चीज़ बिहार की जो शान को बढ़ा रही है, इसको वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। अगर कोई जैसे सर बाहर लेके जाना चाहे, जैसे यहाँ पटना से दिल्ली लेके जाना चाहता है, तो इसकी कितनी लाइफ है? दो तरह का फंडा है, अगर हांडी में ले जाते हैं तो दो दिन तक कुछ नहीं होगा, टेम्परेचर और वातावरण को चेंज नहीं करना है। अच्छा। सबसे बड़ी चीज़ है, आप एसी बोगी में जा रहे हैं तो कभी भी मटन को दो दिन तक कुछ नहीं होगा। हाँ, उसको किसी भी तरीके से उसकी चीज़ों है बीच में खोलना नहीं है, क्योंकि हांडी एक फ्रिज का काम करता है, ये बाहर से अपनी चीज़ों को ले लेता है, उतनी मेंटेन रखता है। आपको जब मटन बाहर ले जाना है तो उस समय जो कुक किया जाता है उसी मटन को दिया जाता है, बाकी आप घर पे ले जाए जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए उसको गर्म कीजिए और खाइए, कोई बनावट में चेंज नहीं आता। मतलब कि हाँ 36 घंटे तक आपका मटन में किसी भी तरह का कोई ख़राबी नहीं आएगा। और ये पैक हो गया, हांडी में ले जाएंगे तो मटन की लाइफ ज़्यादा है, इसमें है 12 घंटे तक, 12 घंटे के बाद मतलब कि ये होता नहीं, तो फिर इसको एयर टाइट करना पड़ेगा।